मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव कब होने हैं उसकी तारीख का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है और अब यहां पर तैयारियां भी सबकी चल रही हैं। और आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं और वहां पर जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कमलनाथ भी मौजूद होते हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई देते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में यहाँ पर लिप्त भाजपा पाई जाती है। यहाँ पर वो ऐसे दावे करते हैं कि किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ भाजपा घोटाला करती है, अभद्र व्यवहार करती है, भाजपा के नेता अभद्र व्यवहार करते हैं। और वो केस तो आपको याद होगा कि किस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता जो है पेशाब करता हुआ नजर आता है और उसी के बाद से ही जो है लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन होने लगा। यहाँ पर शिवराज सिंह को लेकर लगातार लोग तंज कसने लगे और एक पब्लिक कहा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतर चुकी है। लेकिन सिंधिया जो है इस बीच बड़ा बदलाव यहाँ पर ला सकते हैं और जल्द ही ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सबसे मेन बिंदु जो होंगे वो सिंधिया होंगे और सिंधिया को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि सिंधिया खेमे को नाराज किया जाए या सिंधिया वापस कांग्रेस में लौट जाए, क्योंकि 2018 में जनता ने बता दिया था कि वो किसको चुनते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने चुन लिया था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनकर आ गए थे, लेकिन 2020 में अंतर्कलह के चलते सिंधिया बीजेपी को चुनते हैं और बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती है और शिवराज सिंह के सर ताज सस्ता है। लेकिन अगर 2023 में दोबारा शिवराज सिंह को अपनी हुकूमत बनानी है या बीजेपी को यहाँ पर अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि सीएम चेहरे का ऐलान बीजेपी नहीं कर पा रही है और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि सीएम चेहरे का ऐलान नहीं होगा, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष नेतृत्व और राज्य के कुछ बड़े नेता मिलकर ही चुनाव कैंपेनिंग संभालेंगे। तो इस बीच महत्वपूर्णता जो है सिंधिया की कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और एक स्टार कैंपेनर के रूप में सिंधिया यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आखिर कब बीजेपी फैसला करेगी जब चुनाव सर पर है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।